आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 30 सितंबर को रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के वरदायनी हॉस्पिटल के पास मॉडल शॉप की दुकान पर मारपीट की घटना के दौरान हुई मनीष प्रजापति की हत्या में शामिल वांछित मुख्य अभियुक्त सुनील पासवान सहित दो हुए गिरफ्तार, एसपी सिटी ने दी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन लगभग 22 जिलों से अधिक के एसडीएम और ईओ को दिया गया निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण। मतदाता सूची के पुनरीक्षण सहित निर्वाचन प्रक्रिया की सकुशल संपन्न कराने की दी गई जानकारी। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ से वर्चुअल रूप से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित की मकान की चाबी। जनपद के 1500 लाभार्थियों को मिला उनका मकान। पीएम ने कहा, सभी को मकान उपलब्ध कराना सरकार की है प्राथमिकता। गोला पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल, एसपी साउथ ने दी जानकारी। आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के तहत मनाते हुए आयकर विभाग द्वारा किया गया वॉकाथन का आयोजन। अपर आयकर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया वॉकाथन का शुभारम्भ। विभागीय कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। भाजपा के जिला समन्वयक समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी राज्यसभा सांसद ने कहा, विकास कार्यों के आधार पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा बनेगी भाजपा सरकार। आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसपी सिटी व एडीएम सिटी के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र में किया गया पैदल गश्त। लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। एसपी सिटी ने कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर करें पुलिस से संपर्क, समस्या का होगा निस्तारण। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 75 केंद्रों पर 20,632 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 10,144 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,488 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। ऑपरेशन हंट के तहत 25,000 के इनामी गैंगस्टर पशु तस्कर जितेंद्र यादव को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में मंगलवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,418। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, मात्र 6 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जिला अध्यक्ष दुर्गविजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला इकाई की बैठक। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने पर की गई चर्चा। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वाधान में आयोजित रामलीला के दूसरे दिन प्रभु श्री राम जन्म की लीला का हुआ मंचन। प्रभु श्री राम के जन्म से पूरा परिसर श्री राम के जयघोष से हुआ गुंजायमान। लोगों ने की पुष्प वर्षा।